Hello there, KP fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel, guys. Just ignore my voice. I'm having a cold. इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अजीब एंड थोड़ी अनॉइंग लग रही होगी. है ना, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उनकी पैकेजिंग जो थी ना वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, तो उसकी वजह से आपको यूनिक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, ठीक है. एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. The first product I have here is this thing. This is the LA Girl Pro HD Concealer. You must be wondering, मैं इसको क्यों दिखा रही हूँ, ठीक है. बहुत अमेजिंग कंसीलर है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जिसमें यहाँ पे शेड है ना, दैट इज क्रीमी बेज. इट इज काइंड ऑफ माय स्किन टोन, मेरे से हल्का सा डार्क है, बट आई विल वर्क इट, लाइक मैं इसको चला देती हूँ. मुझे इसकी पैकेजिंग आई जस्ट डोंट नो नहीं अच्छी लगती. इस तरीके से कुछ ये ओपन होता है, आपको लिटरली इतना सारा दबाना पड़ता है तब जाके आपका कुछ प्रोडक्ट बाहर आता है एंड देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो. मुझे ये चीज लाइक कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, भाई बहुत इजी है, बस दबाओ और ऐसे फटाफट निकाल लो. बट कई बार मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर ना एयर फिल हो जाती है एंड प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है. इतना ज्यादा दबाना पड़ता है कि या तो कई बार ना लिटरली वो इस तरीके से स्प्लैश होता है, मतलब ऐसे पूरी वो होती है बाहर की तरफ प्रोडक्ट, आपको मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक तो ना गंद मचा देता है इधर उसकी जो चीटें होती है. एट द सेम टाइम ना इतना सारा प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो रहा है, आपको इतना प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जितना बाहर आ जाता है. सो क्वालिटी वाइज द प्रोडक्ट इज सो गुड, बट अगर इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती ना, दिस प्रोडक्ट हैज बीन मतलब बहुत ही बढ़िया वर्क करता. अगर ये थोड़ा सा वॉन्ड वाला होता या फिर मे बी थोड़ा सा डिफरेंट होता ना, तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर जाता. एंड ट्रस्ट मी, इसकी अगर पैकिंग कभी भी चेंज हुई ना, तो आई एम गोना बी द वन जो इसके बारे में सबसे पहले बात करने वाला है. नेक्स्ट अप इज दिस थिंग, Maybelline Age Rewind Concealer. अगेन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया पिगमेंटेशन है, इजी टू ब्लेंड है, हर स्किन टाइप को सूट कर देता है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है. बट इसकी ये कैप, आई मीन जब आप देख रहे हो एक बार, पहले यहां देखो एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस कैप. इट इज अ मेस. आप इसको रोटेट करके ना इस तरीके से आपको घुमाना होता है, आपका प्रोडक्ट बाहर आता है, अप्लाई करो एंड देन इसको बंद करो. बट ये इतना ज्यादा मेसी हो जाता है ना, अब मतलब खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा हो रखा है ये. मतलब अगर ये चीज इसमें नहीं होती ना, ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया वर्क करने वाला था. अगर इसकी पैकिंग, बस इसकी पैकिंग मुझे ऐसी लगती है कि थोड़ी सी बेटर हो सकती थी. मतलब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा इनोवेटिव होने का ट्राई किया कि कुछ न्यू टाइप की पैकिंग निकालते, बिकॉज ऐसी पैकिंग है नहीं, लेकिन वो इनोवेटिव होने की जगह ना थोड़ा सा खराब हो गया. अगर इसकी पैकिंग थोड़ी ढंग की होती ना, तो ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेसी होता है, दैट इज सुपर अनहाइजीनिक. आप अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो लिटरली आप क्लाइंट्स के ऊपर इतना मेसी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो. सो या दिस वॉज दी नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दिस वन, दिस इज दी मार्स का आईब्राउ पैलेट. इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं. मेरे को इसमें सिर्फ एक मेन प्रॉब्लम ये लगती है, एक तो ना इनकी पैकेजिंग इस तरीके से ओपन होती है, दैट इज वेल एंड गुड. यहाँ पे प्लास्टिक लिड भी देते हैं, बट वेन यू क्लोज इट ना, इसके जो छोटे छोटे ब्रशेज हैं ये इधर उधर घूमते हैं. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. पैकिंग आप बाकी चीज भी आती है, स्विस ब्यूटी का भी इस तरीके का पैलेट आता है, लॉरियल का आता है, लेकिन उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उनके ब्रश इधर उधर घूम रहे हो. आप ये मतलब ये लगा भी दोगे ना, ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक लिड आपको मिलती है, आप इसको ऐसे लगा दो, लेट मी जस्ट शो यू, इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद भी ना ये चीजें, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से ऊपर नीचे घूमती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. इससे आपके ना ब्रशेस भी खराब हो जाते हैं, प्रोडक्ट भी खराब होता है. तो सिर्फ मुझे ये चीज इसमें नहीं लगती. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. आप इसको एज अ यू नो आई शेडो भी यूज कर सकते हो, आई लाइनर, ब्राउज, हर चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग आई हैव इज दिस थिंग, दिस इज दी कप्स एंड लैशेस का कपी केक ब्लश. बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन, बिल्डेबल आप कर सकते हो अगर आप चाहो. आपको नहीं लग रहा, मेरे को तो इसकी बहुत बढ़िया पिगमेंटेशन लगी, थोड़ा सा पाउडरी है, बट लीविंग दैट अपार्ट बहुत था ब्लश, मतलब बहुत अच्छा ब्लश है. बट जस्ट टेक अ लुक एट इट्स पैकेजिंग, इसकी पैकिंग कैसे हिल रही है, मतलब आप देख रहे हो, ये बहुत ही चीप सॉर्ट ऑफ पैकिंग, मतलब यहां से ऐसे से हिल रही है, यहाँ पे ग्लास पे स्क्रैचेस लगे हुए है. पैकिंग बहुत अच्छी आप कर सकते थे, लाइक मतलब एक ही होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन किसी प्रोडक्ट का, वो पैकिंग को देख के पड़ता है. अगर आप पैकिंग ही किसी चीज की अच्छी नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का इम्प्रेशन थोड़ा सा खराब हो जाता है, बंदे का मन भी नहीं करता यूज करने का. अगर इसकी पैकिंग अच्छी है ना, ट्रस्ट मी इतना अमेजिंग ब्लश है ना, मैं आपको उसकी पिगमेंटेशन दिखाऊ ना, लाइक आप देख के हैरान हो जाएगा. आप देख रहे हो कितना अच्छा ब्लश है, ठीक है. कसन लैशेस के प्रोडक्ट के लिटरली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, लिंक मैं दे दूंगी,
बहुत अच्छा ब्लश है, लेकिन अगर पैकिंग अच्छी होती ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता था। एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस वन, दिस इज द ब्लू हेवन का आईलाइनर। आपको लग रहा होगा इसकी पैकिंग में क्या दिक्कत है, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हो ना, इसकी वॉन्ड बहुत ही ज्यादा बेकार है। लाइक एक होता है कि या तो तुम बोटी वॉन्ड दे दो या तो तुम पतली वॉन्ड दे दो, ये टेढ़ी मेढ़ी वॉन्ड का क्या हिसाब है? लाइक कहीं से ब्रिसल्स छोटे हैं, कहीं से ब्रिसल्स बड़े हैं। लाइक मतलब बड़ी बेकार साइज का ब्रश है, बिल्कुल भी अच्छे से एप्लीकेशन नहीं हो पाती। आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है, बहुत ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके अच्छे से वर्क करता है, वरना आपका ये पूरा आईलाइनर रुइन कर देता है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप में मतलब इनमें से कोई भी प्रोडक्ट की आपको पैकिंग अच्छी लगती है तो फील फ्री आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। दीज वर लाइक जस्ट माई पर्सनल यू नो एक्सपीरियंस कि मुझे ये इनकी पैकिंग अच्छी नहीं लगी, मेरे हिसाब से ये पैकेजिंग और बेटर हो सकती थी। एंड या दैट्स इट। सो लिंक्स मैं ऑब्वियसली दे दूंगी हर प्रोडक्ट का, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट द पैकेजिंग। क्वालिटी हर प्रोडक्ट की A1 है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज रियल। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।